व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आ चुके हैं एक और नए GTA 5 मेगा रैंप चैलेंज के साथ। एंड दोस्तों, यहां पर अपन लोग को आगे जाना है। अरे भाई, आगे जाने के पहले पीछे ढकेल दिया गाइस। और ये देखो ब्रोज, आज हम लोग मेगा रैंप चैलेंज में आए हैं। बट ये जो मेगा रैंप चैलेंज है ना, ये बहुत दिनों के बाद अपन लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, और आप अगर चाहते हो कि भाई हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहे। ओ भाई, ये क्या हो रहा है भाई साहब, पहले ही गाड़ी फट गई। तो भाई थोड़ा आराम से चलाओ, नहीं तो यही होगा ब्रो आपके साथ। अरे 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 भाई भाई भाई, ये बंदा तो यार शुरू हो गया भाई एक सेकंड के अंदर। थोड़ा आगे क्या चला गया, अपने आप को भाई हीरो समझ रहा है। एनीवेज गाइस, हम लोग दोबारा कोशिश करने वाले। और मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसी वीडियोस और लेके आए, तो फटाफट से लाइक मारो, क्योंकि गाइस आपका सपोर्ट ही हम लोगों को बताएगा कि आपको इस टाइप की GTA 5 मेगा रैम वीडियोस फ्यूचर में देखनी है या फिर नहीं। और वैसे भी बहुत ज्यादा चिटचैट हो चुकी है गाइस, तो अब चलते हैं सीधा अपने मेन मिशन की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होगे कि फ्रॉस्टी भाई, ये मेन मिशन है क्या? तो वेल, मेन मिशन भाई हमेशा की तरह सेम ही होने वाला है इस बार भी, और वो है गाइस फिनिश लाइन को टच करना। तो चलो फटाफट से टच करते हैं। एंड ये चौप भी भाई पीछे से आ रहा है, काफी तेजी से आ रहा है इनफैक्ट। ओके, इनफैक्ट उसको मैं कैचअप नहीं करने से दे सकता हूँ भाई, मेरे को आगे जाना पड़ेगा दोस्तों। और यार देखो, मेगा रैम चैलेंजेस जब मैंने पास में की थी ना गाइस, तो हम लोगों को एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि गाड़ियों को जितना तेज ले जाओगे ना इस रैंप के ऊपर गाइस, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चौप अभी नीचे गिर गया। एंड उसके साथ वही हुआ। क्यों हुआ भाई उसके साथ ऐसा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज जा रहा था। एंड अपन लोग के साथ भी पहली बार यही हुआ था दोस्तों। तो भाई तेज जाने का मतलब ये नहीं है कि हर बार मरूंगा ब्रो। अरे हर बार तो नहीं मरोगे दोस्त, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एनीवेज, हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने प्लेन को ले करके तुम्हारे तरफ। और क्योंकि तुम बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ रहे हो, मेरे को तुम्हें हिट करना। और हिट कर दिया भाई, हिट तो कर दिया इसको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा गिर किधर रहा है। ओके, आई सॉ हिम गाइस, काफी वियर्ड तरीके से गिर रहा था। आई एम नॉट श्योर कि वो बंदा नीचे गिरा है कि ऊपर, बट आई टेक इट कि नीचे गिरा। अरे भैया, इसके चक्कर में भाई प्लेन घुमाना पड़ गया पूरा 360 डिग्री। ऑलराइट गाइस, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए, चलो फटाफट से चलते हैं अगले चेक पॉइंट की तरफ। ओके, तो गाइस हमारा अगला चेक पॉइंट, यहाँ पर अपने को एक BMW गाड़ी मिली है भाई, और इस गाड़ी को लेके जाना है उसी तरीके से रैंप के नीचे। ओ भाई, बादल देख रहे हो तुम? ये बादलों के ऊपर आ गए भाई मेगा रैंप चैलेंज करते करते, बताओ यार। और तुम लोगों ने भाई अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या हो रहा है भाई? आप लोग, तुम लोगों को यार सब्सक्राइब करवाने के लिए बताओ भाई, अपनी जान की बाजी लगाए थे GTA 5 में। एंड गाइस, आप लोग यार एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाते हो। एनीवेज, उसको इग्नोर करते हैं, जल्दी से दबा देना। फिलहाल के लिए गाइस, चौप को देखो तुम, ये बंदा इतनी देर से अभी तक फर्स्ट चेक पॉइंट पे ही अटका हुआ है। एंड अगर मैं इससे पूछूं कि ऐसा क्यों है, तो देखना क्या बोलेगा ये। तो भाई देखो, पूछने की जरूरत नहीं है ब्रो, मेरे को पता है कि मैं अटका हुआ, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा भाई। अबे तो उल्टी पुल्टी करके क्यों चला रहा है गाड़ी को, सीधा सीधा चलाना भाई, इतना सीधा रास्ता तो मिला है तेरे को। एनीवेज गाइस, ये बंदा तो सुधरने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम ही लोग सुधर जाए। और ये देखो, फाइनली चौप ने यार लगता है अपना मेगा रैंप चैलेंज कंप्लीट कर लिया, फाइनली पहला चेक पॉइंट। और हम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं उसके पीछे पीछे। बट गाइस, ऐसा करने के दौरान एक छोटी सी जो गलती है वो चौप ने कर दी, और वो ये है कि वो भाई अभी तक पहले ही चेक पॉइंट पर है, और हम लोग यहाँ पर भाई सेकंड चेक पॉइंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस, इवन दो फिलहाल के लिए मैं चौप से पीछे हूँ, पूरे रेस में अपन लोग चौप से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। और गाइस, अब देखना ये है कि जो अगली गाड़ी हम लोगों को मिलने वाली है वो कौन सी होगी। भाई आपको तो देख लिया था, मेरे को तो भाई BMW मिलेगी ब्रो। अबे लेकिन वो लेटेस्ट BMW नहीं है ब्रो, वो पुराने जमाने वाली होती है ना, वो दे रहे ये लोग। ऑलराइट, ब्रेक 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 ब्रो, ब्रेक मारना था भाई, ये गाड़ी रुकती नहीं है भाई साहब, इतना ज्यादा स्पीड ऑडी R8 के अंदर गाइस, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ये गाड़ी बहुत तेज चलती है। ऑलराइट, इसके ऊपर इन लोगों ने एक वाइट बॉडी किट लगा के रखा हुआ है, एंड इस वजह से ना गाइस, ये गाड़ी जो है और भी ज्यादा जबरदस्त और खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर से बताना। एंड फिलहाल के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, इवन दो भाई हमारे लिए यहाँ पर नीचे जाना इजी नहीं है, मेरे को बहुत ब्रेक मारना पड़ रहा है भाई। ये गाड़ी यार, मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सेलरेट करता हूँ ना मैं भाई, एकदम भागने से लगती है। ओके ओके, अभी भी भाई काफी दूर जाना है दोस्तों, तो गाड़ी को कंट्रोल में रखते हैं। और ये देखो, चौप भाई साहब लगता है बहुत तेजी में है गाइस, उसने अपना भाई कंप्लीट कर लिया, उल्टे पुल्टे जैसे भी होते, लेकिन हमसे पहले कंप्लीट कर लिया भाई। तो भाई इसीलिए तो बोलता हूँ, मेरे से सीखो ब्रो, आपको कैचअप कर रहा हूँ मैं। अबे कैचअप तो तू कर लेगा, ये बात मैं मानता हूँ ब्रो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अपने को बीट कर पाएगा, क्योंकि गाइस अभी भी जो डिस्टेंस है ना हम दोनों के बीच में, वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और डिस्टेंस गया तेल लेने। फिलहाल के लिए ये देखो भाई, चेक पॉइंट आ गया हमारा, लेट्स गो। इसीलिए बोलता हूँ भाई, एकदम काम एंड स्टेडी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड बिल्कुल
बिल्कुल इजी जंप करते के साथ अगले चेक पॉइंट के अंदर आ चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू जो अपन लोग ने अभी बेसिकली किया ना गाइज, उसको हम लोगों को दोबारा रिपीट करना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं ऊपर, और ये चौप आएगा नीचे, लेकिन ऊपर नीचे के चक्कर में बहुत ज्यादा हो जाएगा चौप पीछे। ओए चौप, तू वापस क्यों रिस्पॉन कर रहा है ब्रो? डॉक्टर भाई, मैं वापस इसलिए रिस्पॉन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी गिर गई भाई। अरे अरे बेचारे, तेरे को बोला था ना भाई आराम से गाड़ी चला, ये बंदा सुनता नहीं है गाइज हमारी बातें। खैर हटाओ इसको, जो करना है करने दो। अपने को क्या है, अपने को तो भाई अगली गाड़ी से मतलब है। और अगली गाड़ी क्या मिली है दोस्तों? वन एंड ओनली बैटमोबाइल। तो गाइज इस गाड़ी के बारे में क्या कहना भाई, क्या कहना, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है इसके अंदर एक फीचर है जंप एंड पावर अप रॉकेट का। तो गाइज ये देखो, अपने को रैंप छूने की जरूरत है भी नहीं। बेसिकली ऑल वी नीड टू डू इज हम लोगों को जंप करना है एंड उसके बाद गाड़ी के बूस्टर पर गाड़ी को ग्लाइड करना है। एंड गाइज ऐसा करने के दौरान हमारी गाड़ी जो है वो या तो उस पार पहुंच सकती है या फिर बहुत बुरे एक्सीडेंट कार क्रैश में शामिल हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है इसको देखने से कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारे साथ हो गया। तो भाई इस बार अगर जंप करूंगा ना मैं, थोड़ा आराम से जंप करेंगे गाइस, ठीक है? We don't want कि भाई अपनी गाड़ी ऐसे एक्सीडेंट में फंसते रहे। ओके लेट मी लैंड, ठीक है? और ये बात भाई एकदम परफेक्ट स्मूथ लैंडिंग हुई है। तो एक काम करता हूँ, इस लैंडिंग को वेस्ट नहीं करते हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लोली नीचे ले जाती हूँ क्योंकि गाइस इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड है भाई। ये जो दूसरी वाली रॉकेट वाली बैट मोबाइल आती है ना, उससे भी ज्यादा 3 times to 4 times ज्यादा फास्ट है। ये देखो कुछ ज्यादा ही यार स्लो कर दिया मैंने भाई। क्या ये, कभी बूस्टर मारता हूँ तो मर जाता हूँ, कभी बूस्टर नहीं मारता हूँ तो मर जाता हूँ। भाई बंदा करे तो करे क्या यार, बता दो पहले यार तुम लोग। भाई मैं तो बोलता हूँ आपको पहले से ही यार इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, स्लो क्यों जाते हो ब्रो? अरे अभी कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा हूँ, देख मर गया मैं। डोंट टेल मी मैं मरने वाला हूँ। शिट गाइस, आई कुड हैव मेड इट। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा लकी होता ना तो पक्का हो जाता यार, इंचेस से बच गए गाइस। बट अब मेरे को मेरा लेसन मिल गया है, नो मोर जोकिंग अराउंड। सिंपल गाड़ी को लेके जाओ नीचे भाई, मस्ती मजाक के चक्कर में बंदा मरते चला जाता है यार। भाई मैं तो आपको बोल रहा था बहुत पहले से भाई कि आराम से गाड़ी चलाओ, मैं खुद मर चुका हूँ 2-3 बार ब्रो। अरे भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा इस रेस के अंदर। चलो गाइस इस बार आराम से जाते हैं, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से लैंडिंग करना है भाई, कोई जल्दी नहीं है भाई अपने को। 20 मिनट में रेस कंप्लीट करेंगे वो मंजूर है भाई, लेकिन गाड़ी ठोकते हुए नहीं जाना है मेरे को नीचे। ऑलराइट गाइस, अब आधा रास्ता तो पार हो चुका है, बट ये जो लास्ट के कुछ रैंप्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो एडवेंचर है वो थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता है। एंड बाय इंटेंस मेरा मतलब ये है कि दोस्तों हमारी जान जा सकती है। इंटेंस का मतलब यही होता है भाई हमारे केस में, भाई अगर सीरियसली नहीं रहोगे तो भाई तुम्हारी जान पक्का चली जाएगी। ओके बस 2 रैंप्स और बचे हैं गाइस, कैन वी मेक इट टिल द एंड? ओ भाई यहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी भाई, मैं बातों में यार इस चीज का ध्यान रखना भूल जा रहा हूँ भाई, स्पीड स्लो हो जाती है बंदों की। ओके इजी, ऑलराइट लेट्स गो। हो गया भाई, हो गया फाइनली, इतना मेहनत करने के बाद वी मेड इट टिल द एंड। और भाई 10 मिनट होने भी वाले, अरे बहुत जल्दी 10 मिनट नहीं हो गए यार? मतलब गाइस आज मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भाई फोकस भी नहीं किया इतना, अपनी गाड़ियों में ही भाई मैं ऐसे एकदम उलझा पुलझा सा रह गया भाई। इनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है, क्या बताऊं मैं आपको। भाई अगर इतना मुश्किल है तो लाओ भाई मेरे को आगे को फर्स्ट पोजीशन दे दो ब्रो, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बांटने के लिए नहीं बना है भाई, अपन लोग ने कमाया है इसको ब्रो। ओके फटाफट से बूस्ट लेते हैं एंड यहाँ पर से जाते हैं ऊपर। ओहो हो हो, एक और बूस्टर इसके अंदर से जाएंगे अपनी प्लेन को लेकर के। अब बस मेरे को मेक श्योर करना है कि हम लोगों की प्लेन कहीं टकरा ना जाए। ओके बहुत बहुत बढ़िया तरीके से एंट्री मारी, ब्रेक 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 ब्रो, ब्रेक मार ले भाई, मरना नहीं है तो ब्रेक मार ले। ओके तो गाइज हम लोगों ने ब्रेक तो सही समय पर मार लिया, बट ये गाड़ी कुछ ज्यादा स्लो नहीं मिल गई भाई। मतलब ये क्या दे दिया भाई, वॉक्सवैगन दे दिया यार, पुराने जमाने की वॉक्सवैगन बीटल आती है ना, वो गाड़ी दे दी भाई अपने को। और लगता है अब इसी से करना पड़ेगा दोस्तों। वेल नेवर माइंड दैट गाइज, क्योंकि यार देखो अपन लोग चैलेंजेस से नहीं डरते, ठीक है? हम लोग बस एक ही चीज से डरते हैं और वो है भाई कि चौप फर्स्ट ना आ जाए। और बाय द लुक्स ऑफ इट मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो लेट्स गो, अभी बस 1-2 गाड़ियां और मेरे को ट्रांसफॉर्म करनी है गाइस। अबे भाई कितनी तेजी से जा रहा, पागल वागल हो गया क्या? फोर्ट भाई मेरे को कोई नहीं रोक सकता, चाहे मुझे कोई जंगली कहे भाई। अरे जंगली तो तू है भाई, ये तू मरा, देख भाई देख कैसे मरेगा ये गाइस। अभी 1 सेकंड गाड़ी कंट्रोल कर ली क्या तूने? फोर्ट भाई आप क्या बोल रहे थे मेरे बारे में ब्रो, हल्के में ले रहे थे मेरे को? अरे हल्के में तो मैं तेरे को हमेशा लूंगा, तू ऐसे भी हैवी वेट बंदा है भी नहीं भाई। और चलो गाइस चलते हैं, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया, सो यू नो व्हाट लेट्स गो गाइस, सीधा फिनिश लाइन पे मिलूंगा मैं आप सभी से, क्योंकि यार देखो वैसे भी फालतू का यार काफी लंबी वीडियो बनने वाली है। तो लेट्स गो फटाफट से एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो लेट्स गो। ऑलराइट तो गाइस इट्स टाइम फॉर द फाइनल चेक पॉइंट। एंड नाउ आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई अभी आ गई चेक पॉइंट। अरे भैया देखो जरा टाइमर बगल में, 19 मिनट होने वाली है भाई, 10 मिनट पे तो मैंने आप लोगों को बोला था मिलता हूं मैं थोड़ी देर में। और सोचो गाइस अपन लोग और
और 10 मिनट से रेस कर रहे, सोच लो कितने चेक पॉइंट होते एक रेस के अंदर। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गाइज, और ये चॉप का बच्चा अभी तक कैचअप नहीं कर पाया। क्या बात है भाई, चॉप तो कितना टाइम लगाता है ब्रो। तो भाई अब क्या बताओ भाई, मेरी गाड़ी कंट्रोल ही नहीं होती है, मैं रिस्क लेने के चक्कर में मारा जाता हूँ ब्रो। अरे तो इतना रिस्क काय को लेता है, खैर हटाओ ये रिस्क लेने दो भाई इसको। अपन लोग यहाँ पर धीरे धीरे जाएंगे, इवन दो मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हम लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। एंड गाइज अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके एकदम रैंप के एंड में। नाउ ऑल वी गॉट टू डू इज हम लोगों को जंप करना है एकदम परफेक्ट समय पर उस चेक पॉइंट के अंदर, एंड सीधा उसके सामने खड़ी हमारी फिनिश लाइन। तो या गाइज आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड चलो फटाफट से जा करके इसको फिनिश करते हैं। और हाँ गाइज, और मेगा रैंप चैलेंजेस के लिए कॉमेंट करो मेगा रैंप ओपी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट वॉज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे फ्रॉस्टी। We'll be right back.